मतलब सबसे ज्यादा अगर मरेंगे तो यही लोग मरेंगे। सिर्फ मैं इटली की एक हॉस्पिटल की बात बता रहा हूं, पिछले 1.5 महीने में वहां 100 से ज्यादा डॉक्टर मर चुके हैं। 4 दिन पहले एक कोरोना के पेशेंट को एक कार्डियोलॉजिस्ट ने गंगाराम में चेक किया, आज गंगाराम के 108 डॉक्टर और नर्सें क्वारंटाइन है और अब उनकी टेस्टिंग होगी। जब 3 टेस्ट हो जाएंगे नेगेटिव निकलेंगे उसके बाद वो दोबारा आ सकते हैं। तो एक बंदे की बेवकूफी से पूरा डिपार्टमेंट हिल सकता है और ये हो चुका है, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी इसमें अगर कुछ लीनियंसी होती तो भारत का प्रधानमंत्री आके हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना नहीं करता हर दूसरे दिन आके। लॉकडाउन एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको हमें डील करना है। अगर हमने अगले 3 हफ्ते ढंग से निकाल लिए, ये स्टेज 3 की बिगनिंग हो रही है इंडिया में स्टेज 3 की बिगनिंग है। स्टेज 3 का मतलब होता है कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 लाख लोग हैं तो 2-4 आदमियों को भी हुआ तो 1 लाख को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है कि हमें उसकी चेन नहीं मिलेगी, हमें उसका स्प्रेड नहीं मिलेगा कि ये कहां से आया है, सोर्स पता नहीं चलेगा और पूरी कम्युनिटी में ये फैल सकता है। तो इस वायरस को का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इसमें जो जितने भी ट्रीटमेंट हैं, जो लोग ICU से वापस भी आ रहे हैं उनके भी लंग्स अफेक्टेड मिले हैं, पैचेज लंग पे रह जाते हैं, 30% लंग डैमेज तक दिखाया जाता है। तो आपको इसको समझना है और एज अ पुलिस ऑफिसर आपको ये इंश्योर करना है कि अगले एक महीने हम बहुत सीरियसली इसको डील करेंगे और इसमें कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे। आज के माहौल में जो कहावत है वो ये है कि जो डर गया सो बच गया, तो डरना जरूरी है इसमें, जो नहीं डरेगा वो मारा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। और बिल्कुल गलत फहमी मत रहिएगा, एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आवाज आ रही है ना सर, एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। आपकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, आप 12 घंटे जब काम करते हैं उसके बाद अपने घर जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी एक्सरसाइज करके डाउन हो जाती है, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है। सपोज उस वक्त आप इन्फेक्ट हो जाते हो तो वो आपकी लो इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी या ताकत होने के बावजूद लो इम्यूनिटी पे वो आपको अटैक करके बीमार कर सकता है। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास बस एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर हमने अगले 1 महीने में इस वायरस को कंट्रोल कर लिया और इस चेन को ब्रेक कर दिया तो हिंदुस्तान विश्व विजेता बन जाएगा। हिंदुस्तान पहली कंट्री होगा जिसमें 135 करोड़ की पॉपुलेशन को हमने इसको स्टेज 3 में जाने से, कम्युनिटी स्प्रेड से बचा लिया। तो हमारी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डील करने के लिए और हमें इसमें किसी भी हालत में फेल नहीं होना है। इस वायरस की कुछ चीजें हैं जो बाकी देशों में पहले गया, हमारे पास बाद में आया, जबकि चाइना का बॉर्डर हमसे मिलता हुआ है, यूरोप में गया, अमेरिका में गया। तो जब वो शुरू में या जब ये गया है तो इस वायरस के बारे में लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। फॉर्चुनेटली जब ये हमारे पास आया तो कुछ इसकी इंफॉर्मेशन मेडिकल साइंस के पास हमारे पास आ चुकी थी जिसने हमें इससे डील करने का तरीका समझाया। इस वायरस को जो समझ गया और जिसने इससे डील कर लिया वो बच जाएगा, और वो ना सिर्फ खुद बचेगा वो अपने कोलीग्स को, अपनी फैमिली को भी बचाएगा।